भारतीय मूल की अंतरिक्ष खिलाड़ी सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई हैं। सुनीता विलियम्स 5 जून को स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट के जरिए स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई थी। उनके साथ एक और अंतरिक्ष यात्री वुश विलमोर भी थे, जो मिशन कमांडर हैं। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करीब 8 दिन का वक्त बिताकर वापस आना था, पर अब तक दोनों की वापसी नहीं हो सकी है। सुनीता विलियम्स जिस स्पेस क्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंची, उसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग ने डेवलप किया है। इस स्पेस क्राफ्ट को स्टार लाइनर का नाम दिया है। कंपनी इसको स्पेस कैप्सूल भी कहती है। बोइंग ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नाम के कमर्शियल स्पेस प्रोग्राम के लिए इस स्पेस क्राफ्ट को डेवलप किया। एक तरीके से स्टार लाइनर नासा और बोइंग के ज्वाइंट कोऑपरेशन में डेवलप हुआ। 5 जून को स्टार लाइनर का पहला मानव युक्त ट्रायल किया गया। सुनीता विलियम्स और वुश विलमोर इस स्पेस क्राफ्ट में ISS के लिए रवाना हुए। हालांकि जब स्टार लाइनर को लॉन्च किया जा रहा था, तभी इसमें से हीलियम गैस लीक हो रही थी। BBC के एक रिपोर्ट के अनुसार बोइंग के इंजीनियर्स को लॉन्च के दौरान गैस लीक के बारे में पता था, पर तब उन्हें नहीं लगा कि ये कोई बड़ी समस्या है। पर यात्रा के दौरान स्पेस क्राफ्ट में 4 और जगह से हीलियम गैस का रिसाव होने लगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करते वक्त इसके थ्रस्टर भी फेल हो गए। हालांकि अब नासा और बोइंग का कहना है कि 5 में से 4 थ्रस्टर ठीक कर लिए गए हैं। नासा के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टार लाइनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के केस में विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट इस स्पेस क्राफ्ट से धरती तक लौट सकते हैं, पर फिलहाल एजेंसी पूरी समस्या की तह में जाना चाहती है। वो पता लगा रही है कि आखिर इन फ्लाइट में गैस क्यों और कैसे लीक हुई और थ्रस्टर क्यों फेल हुए। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स की वापसी टल गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स की राय नासा के स्टेटमेंट से बिल्कुल उलट है। उनके मुताबिक स्टार लाइनर में हीलियम गैस का रिसाव गंभीर समस्या की तरफ इशारा करता है। अगर गैस रिसाव का पता नहीं लगाया गया और इसे ठीक नहीं किया गया, तो रिटर्न फ्लाइट में आग लगने की संभावना है। इस केस में सुनीता विलियम्स और विलमोर की जान भी जा सकती है। एक्सपर्ट्स नासा को भी सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब एजेंसी को लॉन्चिंग के वक्त हीलियम गैस के रिसाव का पता लग गया था, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? आखिर इस फैक्ट को छिपाया क्यों गया? नासा का कहना है कि फिलहाल इस स्पेस क्राफ्ट की वापसी मुमकिन नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि स्टार लाइनर 45 दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है। 25 दिन पहले ही हो चुके हैं। ऐसे में सुनीता विलियम्स और विलमोर के स्टार लाइनर के जरिए धरती तक वापसी मुश्किल नजर आ रही है। नासा अब तक 4 बार सुनीता विलियम्स की वापसी की डेट बदल चुका है। पहले 18 जून की तारीख तय थी, फिर इसे 22 जून तक के लिए बढ़ाया गया। उसके बाद वापसी की तारीख 26 जून कर दी गई। अब कह रहा है कि वापसी में 90 दिनों का समय भी लग सकता है। अगर बोइंग का स्पेस क्राफ्ट स्टार लाइनर फेल हो गया, तब भी सुनीता विलियम्स धरती तक लौट सकती हैं। ऐसी स्थिति में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन या रूसी स्पेस क्राफ्ट सोयूज का सहारा बन सकता है। नासा इनके जरिए सुनीता विलियम्स को धरती तक लाने की योजना बना सकती है। सुनीता विलियम्स और विलमोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अकेले नहीं है। वहां पहले ही अलग अलग देशों के 5 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। नासा के मुताबिक फिलहाल उनके लिए किसी तरह का खतरा नहीं है। खाने पीने की पर्याप्त चीजें उपलब्ध हैं, पर वापसी कब और कैसे और कितने दिनों में होगी, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। वहीं इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने भी इसको लेकर एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि सुनीता विलियम्स को कोई खतरा नहीं है। सोमनाथ ने कहा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में विलियम्स अकेली नहीं है, वहां पहले से कई अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। उन्हें एक ना एक दिन धरती पर लौटना है। ऐसे में इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि विलियम्स फंस गई हैं। सवाल स्टार लाइनर से सुरक्षित लौटने का है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इन अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टोरी हाउ।